नमस्कार, बिल्कुल नए अंदाज और नए तेवर में आप देखना शुरू कर चुके हैं एलआर भारत। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्वलंत कोई मुद्दा अगर है या एक चर्चा जो है सबसे अधिक जोरों पर, वह है ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन का। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर हम जितना तेज गति से बिहार का विकास करें, विकास के जड़ में ऊर्जा ही रहती है। उन्होंने कहा कि यह एग्जीबिशन सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से धीरे धीरे हम लोग का जल जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो गांधी के देश के बासिंदे, उनका प्रस्तुत शिव थ्योरी यह भी अभी की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम जैसा वातावरण हमको मिला है वह सब वातावरण हम उनको दिन, आज जो एडॉप्शन की बात चलती है या फिर दूसरी अलग अलग अवधारणा आ रही है वह सब गांधी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और क्या कुछ कह रहे हैं। इस मामले को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का लिए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट और ये एग्जीबिशन सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से धीरे धीरे हम लोग का जन जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, ये सारे लोगों को समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो गांधी के देश में बसते हैं, उनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी, ये अभी के पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम जैसा वातावरण हमको मिला है वैसा वातावरण हम उनको दें। आज जो एडेप्टेशन की बात चलती है या फिर दूसरे जितनी नई नई अवधारणाएं आ रही है वो सब गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और हम लोगों को इसमें और आगे बढ़ के करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो पूरी दुनिया, कोई अगर एक मुद्दे जो सबसे अधिक ज्वलंत है, एक मुद्दा या एक चर्चा जो सबसे अधिक जोड़ों पर है वो है ऊर्जा और जलवायु। ऊर्जा कहने का मतलब होता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो है उनको ढूंढ के, क्योंकि अभी तक जितना फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है उस सब में कार्बन एमिशन मैक्सिमम रहता है और जितना अधिक कार्बन एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस से लेके बाकी ये सब जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको अधिक गर्म बनाता है। तो एक तो ये चीजें परेशान कर रही है और जैसे हम वैकल्पिक सूर्य, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, तरह तरह की एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी से एयर पोल्यूशन और ये जो वायुमंडल वार्मर माने ज़्यादा गर्म होते जा रहा है सबसे मुख्य कारण हुआ। और अगर हम विकास जितना तेज गति से विकास करें, विकास के जड़ में मूल में ऊर्जा ही रहती है। साफ है कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं ऐसे में जलवायु को कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है और ऐसे में आम आदमी को इसके लिए भी सहयोग सरकार को करना पड़ेगा। वहीं सरकार के वैज्ञानिकों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है ताकि जलवायु परिवर्तन से लोगों को बचाया जा सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।